सभी का फिर से स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस पे। साथियों आज ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस अब शुरुआत जब हुई है तो चैप्टर 1 से 14 तक जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्लास कर लेते हुआ तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बहुत सारी चीजें जबरदस्त तरीके से आप तैयार कर पाओगे। ये मैं कतई यहीं पर कह रहा हूं कि आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इतने शानदार तरीके से आपको फायदा मिलेगा कि आप क्वेश्चन आते आने वाले क्वेश्चंस भी आज मैं कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आप जस्ट वेल क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट वेल क्लासेस पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिजिक्स अगर पढ़ना है तो रात को 9 बजे आपको डेली लाइव आना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए आपको रात को 9 बजे डेली लाइव में मिलूंगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रात को 9 बजे जस्ट विल क्लासेस पे मैं लाइव देख मिलूंगा हमेशा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, ठीक है। सब लोग आ चुके हैं, एक बार शेयर कर दो सब लोग। ओके, सभी स्टूडेंट आ गए हैं। चलिए अब देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। कल हमने भी पिछले दो दिनों मिला के लगभग 60 और क्वेश्चन के आसपास हमने किया था। 60 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लेना, बड़ा मजा आएगा उसको भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्या आप सभी तैयार हो? चैप्टर 1 से पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि कांच की छड़ को, अगर मेरे दोस्तों ध्यान देना, कह रहे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ है कि, बताइए इसका अर्थ क्या है। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट बताते रहे स्टूडेंट, क्या बात है, बहुत अच्छा। सब लोग आ गए हो? यस सर, प्रीति मेहरा, वेरी गुड, सोनाली। चलो तो साथियों देखो क्या कहा कि अगर कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे, बहुत पुरानी भाषा में आपने सुना होगा, अगर कांच की छड़ को हम क्या करेंगे, रेशम से रगड़ेंगे तो धन आवेशित हो जाती। इसका मतलब क्या होता है कि छड़, छड़ क्या होती है, धन आवेशित हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ छड़ से रेशम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, या कह सकते हैं छड़ जो था वो रेशम को क्या दे दिया, दान दे दिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन दान देने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या हुआ, छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। ये कह रहा है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पे आ रही है, गलत बात। अगर ऐसा होता तो छड़ पे निगेटिव चार्ज होता, ये तो गलत हो गया हमारे। दूसरा पॉइंट ये कहा इसने, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, ये सही होगा, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में, ये सब तो गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त, बी इज राइट। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एक नंबर तुम्हारा कहीं नहीं गया भाई, एक नंबर जोड़ जोड़ के बनते हैं 70, ठीक है, एक एक जोड़ के बनते हैं 70, 70 आउट ऑफ 70 लाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो लोहे की चने नहीं चबा सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो लोहे की चने भी चबा सकते हैं। क्यों साथियों, मैं सही बोल रहा हूं ना, अगर हम कोशिश करें तो लोहे की चने को भी हम बड़ी आसानी से, बड़ी शानदार तरीके से चबा सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, बी आ गया सबका। हाँ ठीक है, बी सबका आ गया। कल प्राइस टेस्ट है, मैं बताऊंगा लास्ट में जब वीडियो एंड होगा कि कैसे आप 100 रुपए का इनाम जस्ट वेल क्लासेस पे जीत सकते हो, और 100 रुपए का वो पैसा जो है ना सीधे आपके अकाउंट में, सीधे आपके पेटीएम में, सीधे आपके गूगल पे में, सीधे आपके फोन पे में चला जाएगा यहां से, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ला रहा हूं, बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव ही नहीं है,
मतलब इसमें कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, जरा बताओ इसमें कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि नॉट पॉसिबल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार ऑप्शन है। अगर आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा, आपने क्वांटाइजेशन क्वांटीकरण पढ़ा होगा, तो वहां से आपको एक फार्मूला होगा मिला होगा q बराबर n इंटू e। q जहां आवेश है, e जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है। फटाफट शेयर करें इस वीडियो को ताकि और मजा आ जाए, ठीक है। n क्या है मेरे दोस्त, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चला इतना मजा आएगा ना, कतई जहर हो जाने वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या हो जाएगा कतई जहर हो जाएगा। यन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट गाइस यन विल बी, यन क्या हो जाएगा, यन क्या हो जाएगा, यन आपका, चलिए गाइस यन क्या होगा, यन जो होगा आपका मेरे दोस्त n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पूर्णांक हैं, सारे होल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। सारे क्या हैं, होल नंबर है पूर्णांक। ये सब लोग समझ नहीं पाते हैं, अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां n बराबर 1 2 3 4 5, ई नहीं, n बराबर डेढ़ आधा लिख दिए, ई नहीं कि n बराबर डेढ़ लिख दिए, ऐसा नहीं करना हमें, ये नहीं कि n बराबर 3.5 लिख दिए अपने मन से, 4.5 लिख दिए, ई सब आधा डेढ़ा पौना ई सब नहीं चलेगा इसमें, सीधे सीधे पूर्णांक चलेगा, होल नंबर। तो इसके वजह से देखो 3 होल नंबर है, ये सही, मतलब ये पॉसिबल है, कहने का मतलब मैं अभी दिखाता हूं, ये पॉसिबल है, पॉसिबल को हम पी से लिख देते हैं, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये दो है, क्या पॉसिबल है, यस या नो गाइस, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में यस या नो, क्या मैं सही लिख रहा हूं, ये प्लस दो पॉसिबल है कि नहीं है। आप लोग अगर शेयर करते तो ये संख्या 50 के पार रहती, मुझे नहीं लगता आप लोग उतना जबरदस्त तरीके से शेयर करते हो बच्चों के पास। अब देखो ये प्लस 3, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस, यस सर अकॉर्डिंग टू दिस, बट ये 3/2 ही सब पसंद नहीं है इसको, पसंद क्या होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मेरे दोस्त। कहते हैं चेला ये वाला क्वेश्चन ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देना, दिस इज योर राइट एंड करेक्ट आंसर, लिख लो यार, इससे बढ़िया क्या चाहिए है? अच्छा है, तगड़ा है, शानदार है। उसके साथ साथ जानदार एक फार्मूला भी मैंने, ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया यहीं पे, ये फार्मूला भी बता दिया। अगला चले, ठीक है, यस सर अनुराग कौन कौन आया, अटेंडेंस जरा हो जाए कि बाद में अटेंडेंस ले लिया जाए, रोहित, अनुराग, अंशु, प्रीति मेहरा, टॉपर्स डेली आया करें, टॉपर लोग कोई, हाँ आशुतोष इंजीनियर, सतीश, विजय, स्नेहा, अंशु, खुशी इंजीनियर, सतीश, अर्शिफा खान, प्रभाकर कुमार, हार्दिक रोशन, मंजीत, अनुराग, आरएस 3D, पन्ना कुमार, अमरेंद्र इंजी, हाँ मोदी जी, आशुतोष आनंद, आशुतोष कुमार, प्रभाकर, आलोक MD, बहुत अच्छे SG, सबका नाम, राम विलास, दीपू प्रजापति, वाह क्या बात है, सबका मैंने लगभग नाम ले लिया है, कोई छूटेगा तो ऐसे हाथ उठा देगा, आ जाएगा अभी घबराऊं, देखो चलो जरा अगला क्वेश्चन लाते हैं, टारगेटेड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लाते हैं, आवेशों की प्रकृति कैसे होती है, मुझसे पूछा जा रहा है कि आवेशों की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ क्या चार्ज, युगात्मक होती है क्या, व्यवकलनात्मक होती है, या वितरण वाले होते हैं, या क्रम विनिमय होते हैं, बताइए आवेशों का प्रकृति कैसी होती है गाइस, चलिए आवेशों की प्रकृति बताइए,
यस यस गाइस यस, फटाफट। आवेशों की प्रकृति कैसी होती स्टूडेंट्स? सबके आंसर आ रहे हैं ए, प्रीति मेरा स्नेहा। अच्छा, लड़कियां हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ती हैं, याद रखिए इस चीज को। सबसे ज्यादा गर्ल्स जस्ट 12 में पढ़ने लगी हैं। खुशी शर्मा देखो, फिर प्रीति मेहरा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके, ठीक है। देखो कैसे, पहली बात, आवेशों किसी निकाय के सभी आवेशों को जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। तो आवेशों की जो नेचर होती है युग्मात्मक होती है, एडिटिव होती है, इसको कहते हैं एडिटिव, एडिटिव होती है। आवेशों की प्रकृति जो होती है वह योगात्मक होती है, आवेशों की प्रकृति योगात्मक। चला, अगर तुम रात में पढ़ोगे ना तभी तो नंबर आएंगे यार, ये घिसना पड़ेगा अपने आपको। तुम सोच रहे हो बस ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% आ जाएंगे, 80% ख्याली पुलाव से नहीं चेला कुछ होने वाला है। जमीनी स्तर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जमीनी स्तर पे आपको मेहनत। चलिए अगले क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये न तो वितरण वाले होते हैं, न तो व्याकरणात्मक होते हैं, न ही क्रम विनिमय होते हैं, ये होते हैं तो होते हैं योगात्मक, एडिशनल। चलिए अगला क्वेश्चन हम जरा बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता है? नहीं पूछा है इसने, ये कहा है कि मेरे दोस्त, इसने ये कहा है, निम्न बलों में कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है? यहां पे मेरे दोस्त चार ऑप्शन, चार कौन कौन सा? क्या चुंबकीय बल है, क्या विद्युत बल है, क्या ये गुरुत्वीय बल है, या नाभिकीय बल है? जल्दी से बताओ, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन है आज का बाजीराव सिंघम। हा। चले, मजा आ रहा, चला ना, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। अनुराग वर्मा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। ओके, देखो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। इसमें से अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो चुंबकीय बल तो फॉलो करता है, तो ये तो भैया नहीं होगा। विद्युत बल भी फॉलो करता है, क्योंकि आप देखोगे चुंबकीय बल भी 1/r² के बराबर होता है, ये भी 1/r² पे हो जाएगा, गुरुत्वीय बल भी होता है। बट गाइस, जो नाभिकीय बल है ना, जो नाभिकीय बल है या व्युत्क्रम वर्ग, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग को नियम को फॉलो नहीं करता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। 40+ लड़के हैं, मैं यही चाहता हूं आप थोड़ा सा और मेहनत करें। ये संख्या जो है 50, एक दिन तो पहुंचना चाहिए यार, हाँ एक दिन तो पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लिखिएगा कि नाभिकीय बल जो है दूरी के व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। जी सर, आगे चलते हैं, चला आगे चलते हैं। तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का व्यवस्था कराया है। वो क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? इसने ये कहा है कि किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय, आवेश मतलब हम चार्ज का एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? चार्ज का हम लेन देन करना चाहते हैं, तो उसकी मिनिमम मात्रा मेरे दोस्तों कितनी होनी चाहिए? बताइए मिनिमम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ठीक है, किताबों से मोहब्बत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर किताबों से आप मोहब्बत नहीं करते हो ना, तो बहुत चीजें छूट जाएंगे जिंदगी में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके? यस सर,
देखो पहले बात, अगर आवेश की बात करें मेरे दोस्त, याद रखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब, याद है, एक आवेश में याद रखिए इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, एक आवेश में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए बबुआ सुनो ना, चला जब एक आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब ये तो माइनस इसकी प्रकृति दर्शा रहा है, माइनस इसका आवेश का नेचर बता रहा है कि निगेटिव जो है ये निगेटिव चार्ज है, बट हमें वैल्यू से अगर देखा मैग्नीट्यूड इसका ये है, ठीक है मैग्नीट्यूड है, तो ये मिनिमम मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो। अब आधा तो ट्रांसफर नहीं करोगे, सवा तो ट्रांसफर नहीं करोगे, पौना तो ट्रांसफर नहीं ना करोगे जी, ट्रांसफर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच छह सात आठ नौ दस, इन्हीं सब में ट्रांसफर करोगे, अब इससे कम तो ट्रांसफर करोगे नहीं। तो याद रखना मिनिमम इतना हम विनिमय कर से, विनिमय नहीं देखते हो, जानते हो पहले हम क्या करते, गेहूं देते थे तो उसके बदले गुड़ खरीद लेते थे, चावल खरीद लेते थे, इसको कहते थे वस्तु विनिमय। तो यहाँ पे हमने हमें आवेश विनिमय करना है, यहाँ पे क्या करना है आवेश का विनिमय करना, तो बड़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। हाँ चलो, बहुत कुछ पूछ रहे हो जी, सबको समझ में आ रहा है, कौन ऐसा चेला ऐसा हमारा है जेके नहीं समझ में आया है उसको हम फिर बताएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसको नंबर हम पक्का करवाएंगे, ठीक है। यस सर, याद है तुझको। चलो अगला प्रश्न, नहीं बंगलिनिया अगर मौत मार देगी तो भुला जाएगा चेला, याद रखा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो चेला, थोड़ा सीख लो। कह रहा है किसी वस्तु को 5×10^(-19) कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए। किसी वस्तु को 5×10^-19 कूलाम से धनावेशित करने से उसमें से कितना आवेश हमें निकालना पड़ेगा, 5 कूलाम से धनावेशित करना, बहुत अच्छा, जो बताएगा उसके लिए डेरी मिल्क रहेगा मेरे तरफ से, जो बताएगा उसके लिए डेरी मिल्क हमारे तरफ से इनाम इनाम इनाम। शुभम माहिया बाबू तुम आप और मेहनत करो, देखो सोच लो कि मुझे करना ही है, होगा हो जाएगा उस दिन। अमरेंद्र बाहुबली बता दिए हैं कि सर 7 आएगा, 7 इज राइट आंसर, क्या सही है, पहले तो कैसे सही है आइए हम चेक करेंगे, बिना जांच के तो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कुलाम दिया है, कुलाम आवेश होता है, क्या होता है चार्ज, तो क्यू से लिखते हैं कुलाम को, 5×10^-19 कुलाम दिया है, क्यू से हमने लिखा, ठीक है। देखो पहले मैं एक नंबर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर दो नंबर वाला कराऊंगा, फिर तीन वाला, फिर पांच वाला, सब कराऊंगा, याद रखना। क्यों दिया, एक क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मतलब आवेशों का क्वांटाइजेशन जानते हो, आवेशों का क्वांटीकरण जानते होगे, उसका फार्मूला बड़ा प्यारा सा है, क्यू बराबर एन इंटू ई, उसका बड़ा प्यारा सा फार्मूला है, क्यू बराबर एन इंटू ई, दिस इज क्लियर, क्लियर है मेरे लाल पीले काले हरे नीले हैं। ए चेला बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम बोलो इतना शर्माओगे तो बोलोगे कैसे, हमें क्यू पता है बट गाइस हमें ई भी पता है, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेशों का मैग्नीट्यूड यही होता है, जानते हैं? हमें पूछा कितना निकालना है इलेक्ट्रॉन, यही पूछा है, लो ई एन निकालना है, तो एन बराबर क्यू, ई आके भाग दे देगा, ठीक है। वैल्यू रख दें, पुट करते हैं, इसका वैल्यू है 5×10^-19, नीचे है 1.6×10^-19, तो ये से ये खत्म हो जाएगा। अब हम 1.6 से 5 में भाग देंगे, कितना आएगा, कितने बार में जाएगा जल्दी बताओ, इसका आप भाग दोगे 3.1 आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे 3 के बराबर,
तो कौन सा आंसर दे रहा था जी, कैसे दे रहा था मैं बताओ अभी, कैसे आप गलत कर सकते हैं। अगर आपने 7 आंसर दिया मेरे लाल तो ये गलत बात है, आप पहले चेक करो यार। 3.1 आ रहा है तो हमने 3 मान लिया, अगर 3.5 या उसके ऊपर आता तो हम 4 मान लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाता, ऐसे करके हमारा ऑप्शन ए क्लियर हो जाता। और आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सिर्फ थियरी थियरी आएगा तो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं आपसे, नहीं आएगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इसलिए सीखना जरूरी है, नंबर पाना है तो न्यूमेरिकल सीखना है, नंबर पाना है तो न्यूमेरिकल सीखना, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे वाले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। कह रहा है कि किसी आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, किसी आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है n बराबर क्यू ए, ऑप्शन ए कहा इसने n बराबर क्यू ए, ऑप्शन ए कहा इसने n बराबर क्यू ए, ऑप्शन बी करा e बराबर क्यू वन, ऑप्शन सी कहा n अपान क्यू ए, ठीक है, ऑप्शन डी कहा n अपान e अपान क्यू। बताओ कौन सा बढ़िया और करेक्ट आंसर है। अगर ये बताते हो तो मुझे लगता है इससे पहले ही मैंने इस फार्मूले को बताया। सभी स्टूडेंट स्नेहा कुमारी, मैंने कहा था लड़कियां सबसे ज्यादा यहाँ पढ़ती, देखो स्नेहा है, रॉयल छोरी है, प्रीति मेहरा, निमिश कैसे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी, ये गर्ल्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ती है तो मुझे पता है, ठीक है। चल मैंने अभी बताया आवेशों का, आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण फार्मूला, क्या क्वांटीकरण से, आवेशों के क्वांटीकरण से हम क्या लिखेंगे, q बराबर में n इंटू e, q बराबर में n इंटू e, क्या लिखेंगे, q बराबर में n इंटू e, ओके लिखेंगे। तो कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नजर आ रहा है, अगर ये नजर नहीं आएगा तो आपका ये नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, बात तो हुई बराबर, बात तो हुई बराबर, तो हमें यहां पे नजर आ रहा है, ये गलत गलत एंड गलत, ये सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट एंड सही है। क्या चला, समझ में आया, यस सर, कमेंट में देख रहा, अच्छा लगता है तुम लोग कमेंट देख के। ठीक है, ओके शुभम, वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 गुलाम, जरा मैं इसको हाईलाइटेड करता हूं, इसने कहा कि 8 गुलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना इजी, है ना इजी। इसने कहा 8 गुलाम ऋणावेश में उपस्थित, 8 गुलाम ऋणावेश में उपस्थित, 8 गुलाम, ठीक है, ऋणावेश में उपस्थित, जल्दी बताइए, 8 गुलाम ऋणावेश में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी साथियों। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों से भी मेरा तू ख्याल रखना, ठीक है, ए आ गया सबके 9 का ए आंसर आ रहा। देखो करते क्या, बहुत बम फोड़ेंगे, बवाल मचा देंगे, भौकाल लो, इस क्वेश्चन में भौकाल टाइट हो गया तुम लोग का। कुलाम ऋणावेश है, मतलब आई है q बराबर 8 कुलाम, भौकाल टाइट हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, भौकाल टाइट हो गया, 8 कुलाम का क्या हो गया, यहाँ कुलाम का ऋणावेश हो गया। अब देखो e बराबर हम ऑलरेडी हमको पता है 1.6×10⁻¹⁹ कुलाम। अब आप ये मत सोचना सर माइनस भी होता है तो माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो आप, देखो माइनस की हमें जरूरत अभी है नहीं,
ठीक है ओके। अब क्या करो, अब आप देखो, जैसे समझो हमें फॉर्मूला जानते हैं क्यू बराबर एफ इंटू ई, हमें तो निकालना है एन है, हमें तो फाइंड आउट एन करना है, तो एन बराबर क्यू अपान में ई। तो क्यू बराबर क्या, क्यू बराबर 8 हो गया, 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है हो गया -19 हो गया। अब जब 16 × 5 = 80 हो जाएगा, ठीक है, अगर 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 10^19 ऊपर चला जाएगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहीं लिखा है कि नहीं जी, इतना इलेक्ट्रॉन होंगे इस 8 8 कूलाम के ऋणावेश में, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझ गए तो मामला फिट है। 8 कूलाम के ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, कोई मतलब बाबा तो है नहीं जो हम बता देंगे, बट याद रखिए 5 × 10^19 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 × 10^19 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके ये सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? एक बार और शेयर करके आइए सब लोग, फिर मजा आएगा। ओके कल टेस्ट देना है ना सबको जी, सभी लोग टेस्ट देने आएंगे स्टूडेंट्स, 100 रुपये का प्राइस भले है लेकिन आप अपने उसमें दम तो दिखा सकते हो यार, बताओ। आप उसमें कम से कम अपना दम तो दिखाइए, आप में किसमें है कितना दम, कौन है बाजीराव सिंघम जी, सर हम रेडी हैं टेस्ट के लिए, ठीक है चलें। ओके अब देखो साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान कितना होता है? घर्षण से किसी वस्तु, अरे इतना बड़ा कैसे हो, अच्छा अच्छा नहीं ना गया जी, मच्छर अगर आ जाए तो निपटा दें क्या यहीं पे इनको, मच्छर आए तो एक बार ऐसे ताली बजा दो, खत्म कहानी इनका। सही है ना? ठीक है देखो, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है? पहला ऑप्शन में इन्होंने कहा, पहला ने कहा कि सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, एक जैसा बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, बताइए कैसा होता है? नहीं, कोई भी दे सकता है, कोई भी टेस्ट दे सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ये टेस्ट कोई भी दे सकता है मेरे साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूं, कोई भी दे सकता है। तो जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित करोगे ना, तो अगर उस पर इलेक्ट्रॉन चढ़ गया तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसका घट जाएगा, नहीं समझे? समझो, अभी एक लड़का है, ये एक लड़का, ये है हंस रहा है, हंस देना, रिंकिया के पापा वाला नहीं है, एक यहाँ पे है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा कम है तो ये भी है, इन सब के ऊपर टोकरी है, टोकरी है, ठीक है टोकरी है, इसमें 1 2 3 4 फल रखे हैं, इसके पास भी टोकरी है, ठीक है इसके पास 2 फल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन फल को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, इतनी खांसी क्यों आ जा रही है यार? फॉर एग्जाम्पल में अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्रूट्स माने, फ्रूट माने, ठीक है फ्रूट मान लें, तो अगर मान लो ये 2 गो इसको दे देता है, 2 गो फल इसको देता है, तो यहां से ये दोनों फल कम हो गए, तो आप देखो इसका जो द्रव्यमान था ये घट जाएगा और इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिधर आपका जिधर से जाएगा उधर कम हो जाएगा, जिधर जाएगा उधर बढ़ जाएगा, इसमें से ज्यादा घट,
तो थोड़ा बढ़ भी सकता है या घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट कीजिएगा क्योंकि यही सही एंड परफेक्ट आंसर है। यही क्या है, सही है। बच्चा वाला समझ में आया पार्टी, सब लोग बताओ जी ये वाला बात समझ में आ गया मेरी? गधा मोदी जी, मोदी जी का नाम लिए हो बात गधा वाली, मोदी जी से बतियाओ तब ना मानेंगे। चलो लाइक किया करो, अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और क्या चाहिए हमको। कर एक चालक गोले पर -60 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +BE आवेश है। यदि इन दोनों गोले को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? कह रहा है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे साथियों, मैं बता दूंगा ग्रुप में, बता दूंगा, आप लोग ग्रुप में जुड़े रहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। एक चालक गोले पर -60 आवेश है तथा दूसरे एक इस पे क्या है -60 है, दूसरे पे क्या है +20 है। करे यानी इन दोनों को स्पर्श करा दिया, पहले स्पर्श करा दी, टच करा दी मतलब ला दी, जब स्पर्श कराया जाए, करा के फिर अलग कर दिया जाए तो इन पर कितना आवेश है? देखो जब आवेश को स्पर्श कराओगे तो दोनों आवेश जुड़ते हैं, वो बराबर होना चाहेंगे, चाहेंगे कि दोनों बराबर, माइनस में तो इससे लेना चाहेगा, ये देना भी चाहेगा, तो ये बराबर हो जाता है। तो बराबर करते हैं कितना आ गया, अगर -60 + 20 जोड़ोगे तो आपका -40/2 यानी -20 हो जाएगा। यानी अगर एक साथ स्पर्श कराने के बाद जब अलग अलग मेरे दोस्त तुम रखोगे ना इसको, जब अलग अलग इसको रखोगे ना तो प्रत्येक में -20 इलेक्ट्रॉन इस पे भी हो जाएगा, -20 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद ये नियम है कि दोनों पे बराबर होना चाहिए, दोनों पे क्या होना चाहिए, दोनों पे आवेश बराबर होना चाहिए, तो बराबर यहां से हो जाता है। क्लियर है? चला बताओ, यस सर क्लियर है ना है? प्रीति बड़ी तारीफ कर रही है ज्योति की, भाई क्या भाई सहेली है तुम लोग, ज्योति आ गई क्या जी, बहुत बढ़िया। कभी 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 प्रीति को ख्याल आता है कि ज्योति दीदी का तारीफ करना है, सही बात है, हाँ एक दूसरे का तारीफ करना जरूरी है। अब मोदी जी तुम लोग का तारीफ करने तो आएंगे नहीं है? आगे भले हो सकता है, ऐसा काम करोगे तो हो सकता है कि मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी तारीफ करें, बट फिलहाल में तो अभी एक दूसरे का तारीफ करते रहो, ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो अगला अगला, बॉयज भी करते रहे भाई, देखो लड़कियां एक दूसरे का तारीफ कर रही हैं, भले से अंदर से झगड़ा करती हुआ, ये वाली हमसे सुंदर कैसे, कौन सा क्रीम लगाती है, फलनिया हमसे सुंदर कैसे दिख रही है, इसके बाल इतने लंबे लंबे हो गए हैं, ऐसा कौन सा शैम्पू का यूज करती है, इसका कपड़ा देखो कितना बढ़िया, कहां से अंदर अंदर जलन हो रही है, लेकिन फिर भी तारीफ कर रहे थे। साथी क्या हो गया, चलो अगला देखो, कह रहा है कि +1 microcoulomb तथा +4 microcoulomb के दो आवेश एक दूसरे से ना कुछ दूरी पर वायु में स्थित है। इसने कहा दो माइक्रो मतलब एक प्लस एक माइक्रोकुलाम, दूसरा 4 microcoulomb के दो आवेश ना एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू लगाते हो सब लोग हैं? चलो अब मॉडरेटर को हटाया जाएगा, क्योंकि मॉडरेटर अगर नहीं आएंगे लोग डेली तुमको हटा दिया जाएगा। ये निमिष जो है लड़का बहुत अच्छा है, रागनी ये सब डेली आते हैं, इनको रखा जाएगा बाकी हटा दिया जाएगा। देखिए अगर दोनों का अनुपात यार 1 microcoulomb 4 microcoulomb पे आवेश डालना, ठीक है समझना,
इसने कहा है, यस सर यस सर, ठीक है हाँ। इसने देखो अगर हम एक फार्मूला जानते हैं, यह बराबर क्या फार्मूला है मैं बताएगा कोई, अरे भाई साहब वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर, समझना ये हमारा फार्मूला है। तो गाइस अगर मान ले कि वन प्लस वन माइक्रो कूलम प्लस फोर माइक्रो कूलम पर एफ वन बल डाल रहा है, एफ वन वन अपान देखो क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू में क्यू वन के जगह पे वन वन हो जाएगा माइक्रो इंटू क्यू टू के जगह पे फोर हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। फिर एफ टू, एफ टू क्या हो गया, एफ टू वह बल है जो प्लस फोर माइक्रो कूलम प्लस एक माइक्रो कूलम पे लगाएगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है यार, इसको तो बच्चा बच्चा भी कर लेगा, हाँ इसको तो बच्चा बच्चा भी कर लेगा। तो यहां फिर हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से चार गुणे वन उल्टा हो जाएगा बस। अगर इन दोनों में भाग दोगे ना तो सब कट जाएगा यार, सब सब कट जाएगा। यानी एफ वन अगर रेशियो एफ टू निकालते हो तो वन रेशियो वन आ जाएगा साथी, कुछ नहीं है यार। यहां पे एक माइक्रो कूलम का आवेश है ठीक है, अब यहां पे चार माइक्रो कूलम का आवेश है तो इस पे बल डाल रहा है एफ वन, ये वाला इस पे डाल रहा है एफ टू, हमने एफ वन की वैल्यू निकाल ली एफ टू की निकाल ली, दोनों को आपस में भाग दे दिए, दोनों को आपस में क्या किया, दोनों को आपस में भाग दे दिया। तो जब दोनों को हमने आपस में भाग दे दिया ठीक है, तो देखो आराम से आ गया, कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई परेशानी ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी को। एक दिन सोच डीजे उजे लगवाया तुम लोग डांस वांस कर लो बढ़िया से एकदम जी भर के, हाँ सबका मनपसंद का गाना चलेगा उस पर डीजे पे, अब अपना अपना मनपसंद गाना चूज कर लेना कौन कौन सा हो सकता है। कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, बताइए कौन सा मात्रक है। कोई बात नहीं रागनी, नेक्स्ट ये वाला सही करो, एक गलती से क्या तुम गलत थोड़ी ना हो जाओगे जी, तुम्हारा अगला क्वेश्चन सही हो जाए कोई जरूरी है। हाँ बावन गज का, अच्छा चलो अच्छा क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यस स्टूडेंट यस वेरी गुड, अरे बहुत इजी है यार मेरे दोस्त, यार क्या कर रहे हैं देखो, यफ बराबर होता है चूंकि यफ बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए निकालना ठीक है इनटू क्यू वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना है सही बात है। तो क्या करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ला देंगे, आ गया इधर क्या जाएगा फोर पाई इंटू यफ इंटू क्यू वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर। अब देखो वन अपान फोर पाई क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है, वन अपान फोर पाई ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कैसे होगा क्योंकि गाइज ये कॉन्स्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई इकाई नहीं होता है, ये यफ ये फोर्स है। तो लिखेंगे पहले वन अपान न्यूटन, क्या लिखेंगे वन अपान न्यूटन लिख देंगे इंटू ये क्यू वन क्यू टू है तो कूलाम गुणे कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कोई बताएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम गुणे कूलाम, आर क्या होता है दूरी है, दूरी आपका मीटर स्क्वायर में होगा मीटर स्क्वायर में, तो यही तो आपका हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन माइनस हो जाएगा मीटर भी माइनस होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। या तो ऐसे लिख लो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर,
या तो इसको ऊपर कर लो, या तो इसको ऊपर कर लो साथियों, या तो आप इसको ऊपर कर लो ना, न्यूटन पे माइनस वन, मीटर पे माइनस वन, इसे खटाखट खट 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 कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेगा, बोल दो, एक क्वेश्चन पूछ लूं, आओ एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके नाम, अगला क्वेश्चन आपके नाम। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करता है क्या होता है। थैंक यू अमरेन, थैंक यू वेरी मच मोनू यादव, रागनी, कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक। देखो ये संख्या 100 के पार कितना जल्दी आप लोग करवाओगे मुझे बताइए, क्योंकि लगातार यार रात को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाते हैं, तुम लोग को सोचो पूरा शाम हमारा पढ़ाने में चला जाता है आपके लिए, तो अच्छी बात है ना। वो वाला हाल हो गया, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे, ठीक है साथी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हम सपोर्ट करेंगे सर, चलो बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर किसने दिया है, इसका राइट आंसर विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान विद्युत बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है। याद रखिएगा, वह क्या कहलाता है, वह समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र है समान रूप का है, क्या कहलाता है, समरूपी विद्युत क्षेत्र, समरूपी विद्युत क्षेत्र, वह क्या कहलाता है, समरूपी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समरूपी विद्युत क्षेत्र का मतलब बताते हैं, समरूपी विद्युत क्षेत्र का मतलब, समरूपी विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है, ठीक है, कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, ओके, तो दिस इज द आंसर। तो एक समान जब विद्युत क्षेत्र है, कहीं भी कोई टेस्टिंग चार्ज रख दो, कहीं भी कोई भी टेस्टिंग चार्ज रख दो, तो यार मुझे लगता है कि हर जगह पे एक समान विद्युत बल का अनुभव उसे होगा, होगा ना कि नहीं होगा। सबका वेलकम है साथियों, आप लोगों ने बहुत बहुत थैंक यू, सब लोग बोल रहे हो तो वेलकम है। याद रखना रात को भी एरिक विकास सर आपके लिए मेहनत करते हैं, दिखावे का काम नहीं करता हूं मैं, मुझे दिखाना नहीं आता है, मुझे हार्ड वर्क करना आता है सिर्फ, ठीक है, मैं सिर्फ हार्ड वर्क करता हूं, दिखावा एकदम जीरो रहता है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ओके विजय आगे देखो बाबू, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन कौन करेगा, अगला क्वेश्चन कौन कौन आंसर देगा, क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, यूपी 2018-16 और 14 में आया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी कह रहा है कि जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर, बताओ चला कौन सा सही होगा, जो थक जाते हैं भाग जाते हैं सर, डेली चलती है क्लास नाइट में सर प्लीज, हाँ कहाँ रहते हो टॉपर मेहरा जी, आपको पता नहीं अभी तक, चलिए देखो साथी, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, फार्मूला यही होता है, अगर मुझे याद हो तुम्हें याद हो तो मैंने बताया भी था, ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, ई बराबर यफ अपान क्यों होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, यफ आपका फोर्स है, फोर्स का मतलब बल होता है, क्यों आपका चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश होता है, तो इसका मात्रक जो होता है, यफ को न्यूटन में लिखते हैं, बल को न्यूटन में, क्यू को कूलाम है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा,
न्यूटन प्रति कूलम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम ऐसे एन बाई सी लिखा रहता है, कहीं एन बाई सी लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या मैक्सिमम एन बाई सी लिखा रहता है। तो कहां कहां है वेदांती को प्यार का सहारा ना मिला, कहां गया ढूंढो, पहले मिल गया जी। चलो यही सही, सब गलत है, ये सब सब कंफ्यूज आए वाला है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज आएगा ये सब। ठीक है, ठीक है, सब लोग कंफ्यूज आएगा, तो कंफ्यूज आना नहीं है। चले आगे बताइए, आगे चलो अगला क्वेश्चन, और भी तड़कता और भड़कता। एक माइक्रो कूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10^-2 न्यूटन का अगर बल एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव करता है, तो क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बड़ा आसान है, बड़ा शानदार है, अब बड़ा जानदार है। इसने कहा मेरे दोस्त कि एक माइक्रो कूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में अगर 10^-2 न्यूटन का बल एक्सपीरियंस कर रही है, तो क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E बराबर F बाई क्यू से निकालना। इसने माइक्रो कूलम क्यू की वैल्यू दे रखी है, यहां पर मैं दिखाता हूं तुम्हें क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है। क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10^-6 कूलम हो जाएगा। एक है तो एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू हो गया, F बराबर हो गया आपका 10^-2 न्यूटन हो गया। बड़ा आसानी से, बड़ा जानदार तरीके से इधर आइए, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, E बराबर F की वैल्यू क्या है 10^-2, और Q की वैल्यू क्या है, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है आपका 10^-6। ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2, अब प्लस में 6 हो जाएगा, बचेगा 10^4 न्यूटन प्रति कूलम के साथ लिखना आंसर हो जाएगा। अब आंख मूंद कर हाथ रख सकते हो, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा, एक तो फ्लिपकार्ट पे जाके जो चीज सर्च कर लो ना, इंस्टाग्रामो पे, टेलीग्रामो पे, यूट्यूब पे, तुमको बार बार वही दिखाएगा, तब तक दिखाएगा जब तक खरीद ना लो। कब तक दिखाएगा, तब तक दिखाएगा जब तक तुम खरीद ना लो स्टूडेंट। ये बड़ा गंदा व्यवस्था है गूगल का। तो ऑप्शन ए के साथ सब लोग जा रहे हो ना, ऑप्शन ए के साथ, तो ऑप्शन ए इज राइट। देखो बस सीधा सीधा दिखा, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो है आपका आंसर, वो है आपका आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं बता, अगला क्वेश्चन क्या है। यस सर वेरी गुड। चले ओके, कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, या कूलाम मीटर होता है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ गाइस, जल्दी से फास्ट। विद्युत द्विध्रुव, हाँ ओके। अरे यार इसका फार्मूला पढ़ेगा, P बराबर क्यू इंटू डी होता है। P क्या है, विद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, Q कूलाम है, D डिस्टेंस है, आप जानते हो इसको कूलाम लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में लिख सकते हैं, तो कूलाम मीटर जो होगा ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया, यह इसका फार्मूला हो गया। तो
आप साथ साथ दोनों याद रख लो, क्या प्रॉब्लम है? आप साथ साथ दोनों याद रख लो, कोई प्रॉब्लम होगा क्या जी? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर साथ साथ आप दोनों याद रखते हो तो? बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप साथ साथ दोनों याद रखते हो तो भी, ठीक है ना? नींद नहीं आ रहा किसी को? ठीक है दीदू, आप पढ़े नहीं हो, वीडियो में डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना, वीडियो है प्लेलिस्ट में, ठीक है? प्लेलिस्ट में वीडियो है, 25 नंबर। 27 कह रहा है दे ध्रुव आघुड़ की बीमा, बीमा भी तो उसी की निकालनी है ना, तो बीमा निकालना है। तो देखो अभी बड़ा आसानी से बीमा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप ये देखो क्यू इंटू डी हो गया पी बराबर, क्यू क्या, क्यू की होती है ए बीमा होती है, डी की होती है एल, ए एल हो जाएगी। बट हम ऐसे नहीं लिखना चाहता बीमा को, बीमा को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है तो जीरो लिख दो, एल पे है तो वन लिख दो, टी पे कोई नहीं है जीरो लिख दो, ए पे है तो लिख दो, तो एम एल टी ए के फॉर्म में लिख देते। देखो जिसमें एम पे पावर जीरो रहेगा, क्योंकि यम तो इसमें है ही नहीं ना, यम तो इसमें है ही नहीं, इसके पावर जीरो, यल है तो यल की पावर वन रख दिया, टी की पावर जीरो, ए है, ए क्या है, ये क्यू है ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, टी भी होगा क्योंकि ये सॉरी यहाँ पे आपको पता है जैसे कि क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई के लिए हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, टी के लिए टाइम, तो टी हो गया तो ए की पावर वन हो जाएगा और ए की पावर, अब ये सही है, यम पे सिर्फ जीरो, यल पे वन, टी पे वन, साथ में आपका ए पे वन हो जाएगा, कहीं दिख रहा? हाँ ऑप्शन नंबर डी को ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को ले लीजिए, सही है, ठीक है ना जी? चला जाए, जल्दी बताइए, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया, कंफ्यूजन कंफ्यूजन दूर, जल्दी बता, दूर हो गया ना कंफ्यूजन? बहुत अच्छा, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। बताओ चीजें समझ में आ रही है क्या? ओके चलो नेक्स्ट देखते क्या है, अगला क्या है, अगला अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, देयर इज फोर ऑप्शन, H2O, HCl, O2 एंड NH3, देयर इज फोर ऑप्शन, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है तो याद रख के बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा। स्नेहा, बहुत अच्छा स्नेहा, रागनी वेरी गुड, सात्विक, मेडोलियस संगीत महफिल, अरे वाह, चलो विजय आंसर दो, विजय कहाँ है, दांत निकाल रहे हो जी गधा, आंसर दो, आंसर क्या आ गया? देखो जब धनावेशों तथा ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे पर संपाती होता है तो ऐसे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इनका कभी नहीं होगा क्योंकि H अलग है O अलग है, HCl इनका, ऑक्सीजन एवं O2 का हो सकता है क्योंकि इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा एक दूसरे पर संपाती होगा, संपाती मतलब एक पर, एक ही है, ये है O2 का, O2 का तो एक ही है, ये है तो दोनों संपाती होगा, तो गाइस यहां से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर है ना? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया अनुराग, किसको बोल रहे हो भैया तुम?
यस डियर। अब देखो अगला, अगला कह रहा है दो गुलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखें, निकाय का विद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा। 14 में आया, 14 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा दो गुलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का विद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा। निकाय का विद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट गए। चलो ओके ओके वेरी गुड। समझ में नहीं आया अनुराग, अच्छा अभी समझा देता। दो गुलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक इतने दूरी पर रखे गए। अरे यार सिंपल सा फंडा है, इसने क्या कहा कि अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, दो गुलाम है, क्या है प्लस दो गुलाम के आवेश है, d बराबर दूरी के क्या दे रखा है 0.04 मीटर की दूरी है, तो निकाय पे विद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब p बराबर होता है q इंटू डी होता है, तो यहाँ पे q भी है। देखो यहाँ q दिया नहीं है, ये वाला ये q है तो q मान लो, q है तो q दो गुलाम हो गया, d क्या दिया है 0.04, तो दो चौका आठ हो जाएगा, 0.08 मीटर क्या हो जाएगा p का ये वैद्युत ध्रुव हो जाएगा, इसका मात्रक भी होता है गुलाम गुलाम मीटर, गुलाम मीटर इसका क्या होगा मात्रक हो जाएगा। सही है, सही है ना। ओके यार खाना 10 बजे के बाद खाया करो गधा, पढ़ोगे कैसे जल्दी जल्दी खा लोगे, तो ठीक है ना, क्लियर है, तो यहां से ये क्लियर हो गया, मजा भी आया होगा। ओके ना स्टूडेंट्स, चले आगे। बड़ा सिंपल सा था, दो गुलाम के दो बराबर, भाई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनता कैसे है, आपका एक प्लस एक माइनस ऐसे बन जाता है, बीच की डिस्टेंस हो जाती है, यही होता है ना, बस आराम से बन जाता है ये, नो डाउट, ठीक है ना। चले आगे, चलिए कमेंट देख रहा हूं तुम लोग का, तगड़ा कमेंट करते हैं तुम लोग। अगला कह रहा है कि दो माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। बस ध्यान रखना यहाँ दूल्हा और दुल्हन जो है ना अलग अलग बिरादरी के हैं, और जहाँ दूल्हा और दुल्हन अलग अलग बिरादरी में होते हैं तो पहले हम बिरादरी में चिन्ह करेंगे। सेंटीमीटर में आंसर मीटर में दे रहा है, तो पहले डी बराबर लिखो 3 सेंटीमीटर को, 30 नहीं है 3 है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इस बदलने के 10^-2 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल गया। अब क्यू बराबर क्या दिया है 2.0 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में बदल लेते हैं 10^-6 कूलम, माइक्रो जो इतना लिख दिया। हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला जानते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P बराबर Q इंटू डी। अब Q की वैल्यू क्या है 2×10^-6, और D की वैल्यू क्या है 3×10^-2, तो 2×3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10^-6, 10^-2, तो 10^-8 कूलाम अमीटर, कूलाम अमीटर, तो दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके क्या है करेक्ट आंसर, ओके ना, बताइए जल्दी। सही है, कल फिजिक्स का टेस्ट होगा ना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो क्वेश्चन का जवाब हम जब लाइव आएंगे तो बता दें। जैसे कल के वीडियो में नाम लेना चाहूंगा, जिन जिन स्टूडेंट ने कल के वीडियो पे कमेंट किया था उनका मैं नाम बता दूं, जरा एक सेकंड वेट करो मैं नाम बताता हूं उनका। एक था प्रशांत कुमार ने,
प्रशांत कुमार ने कहा है, कमेंट किया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य का प्राप्ति मेहनत करते रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत अच्छा कमेंट किया है। विजय सिंह पटेल ने लिखा है, गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको थैंक यू मेरे तरफ से। अनुदीप शर्मा ने लिखा है, वेरी नाइस क्लास सर जी, तो इनको भी थैंक यू। और आशुतोष आनंद हम आ चुके हैं, कोई बात नहीं, सब लोग हो ना प्रेजेंट, कोई बात नहीं, कैमरा थोड़ा सा डाउन हो गया था। चलो क्वेश्चन हम कहां तक कर लिए थे, क्वेश्चन हमारा हो गया था यहां तक, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, मैं दिख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, जरा करते हैं इस क्वेश्चन को, कर लिया कि नहीं मैंने, तो आराम से 6×10 पे घात -8 कूलम मीटर इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर हो गया, तो दिस इज करेक्ट फॉर यू, ओके ओके। अब चले अनुराग आगे, ओके आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी तड़कता और भड़कता, पहला वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी बताओ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ जल्दी से, ठीक है। चैप्टर नंबर नेक्स्ट का क्वेश्चन आ चुका है, आ गए सर जी, हाँ यार चला आ ही गए क्वेश्चन सर जी लेके, कहाँ जाएंगे तुम लोग के बिना गुरुदेव, हैं गुरुदेव तुम लोग के बिना कहाँ जाएंगे, तुम खुद बताओ। हाँ चलो ओके ओके वेरी गुड, बताते रहो, यस वेरी गुड, क्या आंसर दिया सबने, ए आंसर दे दिया सर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, सर वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई, वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक हमने पूछा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है सर, ए ए क्यों दे रहे, मतलब ऑप्शन दे रहे हो सब लोग, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं दिया, एनीवन गाइस, मैं उसका नाम धड़ल्ले से लूंगा जो सी दिया, वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ए और सी में, ए और सी दोनों मतलब सही लगभग लगभग लग रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट कोई नहीं, इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर अगर यंत्र विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है कितना होगा, जल्दी बताओ, 2013 पूछा गया,
यूपी 2013 में पूछा गया, डाटा बचा के रखा करो यार, पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ोगे, डाटा नहीं बचाओगे तो जी, पढ़ाई जरूरी है ना पढ़ने, मतलब डाटा बचाओगे तभी तो पढ़ोगे। हाँ ठीक है, तो मैंने कमेंट कर जो जो कमेंट दिया था उसका मैंने नाम लिया, इसीलिए याद रखिए जो कमेंट करेगा हमेशा उसका नाम जरूर आएगा, डेली मैं लूंगा ना। चलिए ओके, दबा के सब लोग लाइक कर देना। साथियों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में, इसका जो आंसर देगा और उसका नाम मैं कल लूंगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जिन स्टूडेंट को क्रैश कोर्स में जुड़ना है वह 83-18-42-15-83, जिनको कंप्लीट तैयारी करनी है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए फीस अभी चल रहा है 299, इस पे विकास नाम दिखाएगा, ठीक है। इसी पे आप 299 फोन पे गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिनको भी पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको इतना नंबर है, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते 9940-61-11-89। तो आप इन दोनों को व्हाट्सएप कॉल करते हैं, पेमेंट करना है तो आप इसी नंबर पे 83-18-42-15-83 पेमेंट कर दीजिएगा। अब फ्री के पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, याद रखिए, तो आपको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाना है, वहां सर्च करना है जस्ट वेल क्लासेस, क्या सर्च करना है, जस्ट वेल क्लासेस सर्च करना है, वहीं से ज्वाइन कर लेना साथी, बड़ा यूनिक नाम है ना जस्ट वेल क्लासेस है, तो वहीं से ज्वाइन कर देना है। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और 100 लाइक जरूर होना चाहिए, देखो मेहनत करोगे ना तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी साथियों, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एक बंद पृष्ठ के भीतर यम विद्युत द्विध्रुव स्थित हो रहे तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत मतलब आउटपुट, ठीक है, निर्गत मतलब आउटपुट। तो साथियों डेली आप कम से कम 6-7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, डेली आप 6-7 घंटे पढ़िए तब जाके सफलता मिलेगी, और ध्यान से पढ़िए और चीजों से ध्यान ही हटा दो, जैसे तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, इस टाइप का बिहेव करो जैसे कि तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। कैसे बिहेव करोगे कि जैसे तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ओके साथियों, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स, एनीवन गाइस, और कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मुझसे, क्या कर सकता है कमेंट बॉक्स। सुपर क्लासी थैंक यू अनुराग, थैंक यू बाबू, सात्विक थैंक यू वेरी मच सबको। और कुछ सर? नहीं सर, आपने आज सबके दिए। ओके चलो अनुराग, एग्जाम कब होगा? अच्छा देखो एग्जाम आपके फरवरी के बाद मार्च में होगा, फरवरी के बाद, चुनाव बाद ही एग्जाम होगा, क्योंकि आपको पता है सरकार पहले चुनाव ही करवाएगी उसके बाद ही एग्जाम करवाएगी, उससे पहले वो एग्जाम नहीं करवा सकती, ठीक है। तो लेकिन आप तैयारी जबरदस्त, अभी बहुत टाइम है, आप तैयारी शानदार और जानदार तरीके से कर सकते हैं, इतनी तैयारी कर सकते हैं कि अच्छा परसेंटेज अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, इतनी तैयारी आप कर लोगे। आदर्श मत सर पैड क्लास, अच्छा सर मैडम जी कैसी है? पता नहीं मुझे, तुम बताओ मुझे तो कोई मैडम वैडम के बारे में पता नहीं है। निमिष गुड नाइट, गुड नाइट। अनुराग ओके सर बाय, ठीक है अब जाओ सब लोग आराम से खाना खाओ। ओके सात्विक मैं समझ गया, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आने दो क्लियर हो जाएगा, अति लघु उत्तरी आने दो क्लियर हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग देना। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड गुड नाइट। पीडीएफ मैं भिजवा दूंगा कल, कल संडे को टेस्ट है, सब लोग जस्ट वेल क्लासेस टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा।